अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमारे देश आइए, यहाँ पे शूटिंग कीजिए, जितना मर्जी हमारे प्रॉपर्टी यूज कीजिए, लोकेशंस को एक्सप्लोर कीजिए, आपको हमारे गवर्नमेंट के तरफ से पूरा 99% सपोर्ट और प्यार मिलेगा। इसके बदले अगर आप 100 रुपया खर्चा करोगे तो हम आपको आपका 30 रुपये वापस देंगे, यानी कि ऑन एन इन्वेस्टमेंट, 100% इन्वेस्टमेंट, वी गिव बैक 30% इन्वेस्टमेंट टू यू। क्या आप ऐसे देश में शूटिंग करना पसंद करोगे? और जब वो देश आबू धाबी हो तो क्यों नहीं करेंगे मेरे भाई। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, रेस 3 के टाइम पे मैं भी पहला आदमी था, बाद में पूरा मीडिया ब्रोक दिस न्यूज आउट टू यू। रेस 3 के टाइम पे रेस 3 को आबू धाबी गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट 35-40% का रिबेट मिला था। हाँ मेरे भाई, जो पूरा इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने लगाया था रेस 3 में जस्ट फॉर शूटिंग 23 डेज इन आबू धाबी, उसका ऑलमोस्ट 35-40% जो इन्वेस्टमेंट था, टैक्स वैक्स कट के 30 हो जाता है, वो पूरा का पूरा मिल गया था रेस 3 के फिल्म मेकर्स यानी कि टिप्स और SKF को। और गाइस, सलमान खान अभी जो अपनी थर्ड प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं आबू धाबी में, ऑब्वियसली आफ्टर टाइगर जिंदा है रेस 3 एंड नाउ सलमान खान इन एंड एज भारत। वेल फ्रेंड्स, अभी अभी न्यूज आई है कि भारत इज द लेटेस्ट मेजर इंटरनेशनल प्रोडक्शन टू बेनिफिट फ्रॉम द 30% रिबेट ऑन प्रोडक्शन स्पेंड इन एमिरेट्स फ्रॉम द आबू धाबी फिल्म कमीशन ADFC 2454। अपने चैनल पे बहुत फेमस है गाइस, जितने भी लोग हैं जो मुझे रेस 3 के टाइम से फॉलो कर रहे हैं, 2454 के बारे में मैंने बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं। HE मरियम, यस फ्रेंड्स, वही महिला जो बुरखे में रेस 3 के टाइम पे दिखी गई थी सलमान भाई के साथ, इवन ड्यूरिंग एक टाइगर जिंदा है, HE मरियम ईद अल मेहरी जो CEO है मीडिया जोन अथॉरिटी आबू धाबी 2454 की, आबू धाबी इज ऑलवेज थ्रिल्ड टू वेलकम सलमान खान एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द कास्ट एंड क्रू ऑफ भारत। यस फ्रेंड्स, फॉर एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ हिज एक्सपीरियंस टू फिल्म 3 मूवीज इन अ रो इन आबू धाबी इज टेस्टमेंट टू द इनक्रेडिबल ऑफर वी हैव फॉर फिल्म मेकर्स, यानी कि इतना बड़ा एक्टर और जो कि प्रोड्यूसर भी हो, वो अपनी 3 बड़ी बड़ी फिल्में बैक टू बैक आबू धाबी में शूट कर रहे हो, तो इसका सबूत है कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक ऑफर प्रोवाइड करते हैं फिल्म मेकर को, वो अनरेजिस्टेबल है। दिस हैज ऑलरेडी बीन अ रिमार्केबल ईयर विद की इंटरनेशनल रीजनल प्रोडक्शन कमिंग टू आबू धाबी एंड अनाउंस द मेजर प्रोडक्शन। वेल फ्रेंड्स, हर फिल्म को रिबेट नहीं मिलता, सलमान खान की फिल्म स्पेशल केस है जहां पर इनकी ऑलमोस्ट 2 फिल्मों को, एक था टाइगर के बाद टाइगर जिंदा को रिबेट नहीं मिला था, रेस 3 को मिला और अब जाके भारत को मिलने वाला है। लेकिन गाइज, यहां पर बात करें और कौन सी फिल्में शूट हुई है, तो गाइज बहुत बड़ी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलोआउट, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जो हेलो जंप था वो आबू धाबी में शूट हुआ था, प्रभास की फिल्म साहो का भी शूट यहां पे हुआ है, इन दोनों फिल्मों को भी रिबेट मिला था। सो गाइज, भारत 30% रिबेट ऑन प्रोडक्शन स्पेंड इन एमिरेट्स फ्रॉम द आबू धाबी फिल्म कमीशन। एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ हमारे चैनल पे, इससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा, जितना पैसा यहाँ बचाओगे उतना अलग चीजों में लगा सकते हो। ओके गाइस, और एंड में जो प्रॉफिट आएगा उसमें भी बहुत मदद करेगा। आई होप ये खबर आपको पसंद आई हो, खबर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमन साड़ी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन भारत।